हेलो एवरीवन, हुण असीं सिखांगे इंग्लिश सीखण दा डायरेक्ट वे। मीनस आम करके सिखाया जाता कि पहला ग्रामर सीखो तो फिर वो रूल्स रेगुलेशन सीखो तो उस तो बाद तुहानू इंग्लिश आएगी। क्यों ना आप जिस तरह पंजाबी सीखी, जिस तरह हिंदी सीखी बिना ग्रामर के, वो सेंटेंसिस तो उस तरह इंग्लिश नू सीखने की कोशिश करिए ताकि आप रोज़मर्रा की जिंदगी दे विच उन्हां सेंटेंसिस नू वर सकीए, कॉन्फिडेंस अपना गेन होएगा तो इंग्लिश होर सौखी लगनी शुरू हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट। सब तो पहला की है, ये कौन जानता है, यह कौन जानता है। ओके, हु नोज इट। नेक्स्ट है, मुझे यहाँ बैठने दो, मैनू इत्थे बैठन दिओ। लैट मी सिट हेयर, जे आंदा मैनू इत्थे सोण दिओ। लैट मी स्लीप हेयर, मैनू इत्थे खड़े होण दिओ। लैट मी स्टैंड हेयर, मैनू इत्थे लिखण दिओ, मैनू इत्थे पढ़न दिओ, जो भी। सो इत्थे तुसीं इहनू चेंज कर सकदे हो, लिखण दी राइट, पढ़न दी रीड या स्टडी, है ना, जो भी तुसीं इत्थे करना चाहुंदे हो इत्थे लिख सकदे हो। मैनू उत्थे बैठन दिओ, लैट मी सिट देयर। ओके, नैक्सट, वो शर्ट पहन रहा है, वह शर्ट पहन रहा है। ही इज़ पुटिंग ऑन द शर्ट, ही इज़ पुटिंग ऑन द जैकेट, ही इज़ पुटिंग ऑन द सूट। ओके, वो शर्ट उतार रहा है, वह शर्ट उतार रहा है। ही इज़ टेकिंग ऑफ द शर्ट, कोई भी चीज़ है तुसी टेकिंग ऑफ करके अगे लिख सकते हो। पानी को ग्लास में डालो, पानी नू ग्लास विच पाओ। Pour the water into the glass. Okay. Pour the squash into the glass. Pour the cold drink. Pour the milk. Pour the tea, etc. ऐसे कुछ और sentences सीखने के लिए जुड़े रहिए हमारे channel के साथ और इसको ज़्यादा से ज़्यादा subscribe, like और share ज़रूर कीजिए। मिलते हैं next video में।